Hey guys, welcome back again on my vlog part 2. Vlog part 2 इसलिए दोस्तों क्योंकि लास्ट वाले vlog हमारी complete नहीं हो पाई थी जिसमें हमको वैक्सीनेशन लेना था और स्टार्टिंग में भी बोल दिया था कि वैक्सीनेशन के लिए जाना है बट नहीं ले पाए थे। चलिए खैर कोई बात नहीं, और आज तो ज़रूर हो जाएगा, 100% श्योर हो जाएगा क्योंकि मैंने गूगल पर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले ली है जहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर अवेलेबल है। मैंने पहले आसपास के लोगों से पूछा, कंफर्म किया कि भाई कहाँ मिलेगा, तो किसी भी पर्सन को ये नहीं पता था कि कहाँ पे अवेलेबल है या कहाँ पे मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ले लिया था, तो इसीलिए अभी हम बाकी हैं तो हमें भी लेना ज़रूरी है, इसलिए चलते हैं ले लेते हैं अपना सेकेंड डोज। पता चल गया तो अभी हम लोग को जाना है पांडेस्त्रा हेल्थ सेंटर पर जहाँ पर मिल रहा है, और इस वक्त मैं और ये मेरी साइकिल, तो अभी जाएंगे हम पांडेस्त्रा हेल्थ सेंटर पर। और फिलहाल अभी मैं हूँ काम पर, और काम पर से चाय के बहाने निकला हूँ क्योंकि मुझे वैक्सीन लेना है, सेकेंड डोज का है और लेना भी ज़रूरी है, तो ले लेते हैं वैक्सीन और फिर आके काम पे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको भी कोई प्रोडक्ट या शॉप पर या कहीं पर विज़िट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो यार गूगल पे जाओ, डायरेक्ट सर्च करो और उसमें लिख दो नियर अबाउट मी, आपको मिल जाएगी वो जगह, वो चीज़ जो भी आपको चाहिए। समझ रहे हो आप? सो गाइस अभी आ चुके हैं हम हाउसिंग में, जिसे पांडेस्त्रा हाउसिंग बोर्ड के नाम से जाना जाता है और पानी टंकी के नाम से भी जाना जाता है। तो सामने देख सकते हैं ये रहा हमारा हेल्थ सेंटर, तो चलिए चलते हैं अंदर। और ये बाहर का व्यू देख सकते हैं, कपड़ों की दुकान वकान जितना भी सामान है सब यहाँ पर मिलता है। सो अभी आ चुके हैं हेल्थ सेंटर के पास, बिल्कुल करीब अंदर में, और सामने ये रही हमारी साइकिल जिसको हमने लगा दिया स्टैंड पर, तो चलिए चलते हैं अंदर। सो यार वैक्सीनेशन हमारा हो चुका है, ये रहा कॉटन, अंदर अलाउ नहीं था, परमिशन नहीं हुआ हमारा ग्रांटेड कि वीडियो बना पाए। चलिए खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम हो चुका सक्सेसफुली, और ये जो हेल्थ सेंटर मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, तो चलिए चलते हैं घर, वहाँ पर जाके एंड करते हैं। और दोस्तों अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है, अब धीरे धीरे यहाँ पर इतनी क्राउड हो जाएगी कि पूरा रफ हो जाएगा, आना जाना भी मुश्किल हो जाएगा। सो फाइनली अभी मैं घर पे आ चुका हूँ गाइस, और वैक्सीनेशन हमारा क्लियरली हो चुका है। आई होप कि आप सबने भी वैक्सीन करवा ली होगी अपने सेकेंड डोज की, और नहीं करवाया है तो करवा लीजिए क्योंकि कंपलसरी हो चुका है। अदरवाइज आपको कहीं विजिट करने पे, कहीं शॉपिंग करने में या कहीं अच्छे से होटल रेस्टोरेंट में जाने में, खाने पीने में आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। सो इसलिए आप करवा लीजिए, अपने लिए, आपके लिए, दूसरों के लिए सुरक्षित रहेगा। सो वैक्सीनेशन करवा लीजिए तो फायदे में रहेंगे। और हाँ, आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगा कि बिहेवियर जो है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। आप अगर किसी को हर्ट करेंगे तो उस वक्त आपको नहीं फीलिंग होगा बट सामने वाले को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। सो इसलिए यार अपने बिहेवियर पर, अपने आप पे कंट्रोल करें, किसी को हर्ट ना करें, बस यही कहना चाहूँगा। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।